आज ये भाई दूज और मुझे जाना था अपने भाई के घर और हमारे घर का जो प्रंस है वो अभी तक सो रहा था हम लोग लेट हो चुके थे बज चुके थे साढ़े दस मॉर्निंग के तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं फ़्रेश हो जाती हूँ तो ये था मेरा आउटफिट मैंने नेवी ब्लू कलर का एक सिंपल सा कुर्ता पहना था और अपने हेयर ओपन रखे थे मैं आज खुद को देख के काफ़ी एक्साइट हो रही थी बिकॉज मैंने आज टोटल सेवन के जी टू हंड्रेड ग्राम वेट लूज़ किया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ख़ुद को देखने के लिए उसके बाद हम लोग निकल गए फिर रास्ते में हमने देखा चलो हम हमारे ऑफिस के यहाँ पे जाके कुछ खाते वर्क फ्रॉम होम चार साल से करने के बाद आज फील हुआ कि चलो ऑफिस के यहाँ पे जाके कुछ मज़े लेते हैं पुरानी यादें ताज़ा करते हैं फिर हमने यहाँ पे पनीर खाया और मस्त वहाँ से हम लोग ले फिर वहाँ से मैंने लिया आज भाई दूज है तो स्वीट लेना बनता है तो मैंने स्वीट ले लिया और हमारे जैसे महाराष्ट्र में ये जो धागा होता है वो अपने भाई को बांधा जाता है रेड वाले पोतली में मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छा गिफ्ट लाया था भाई के लिए उसके बाद उसने भैया का तिलक किया और बांध में में हाथ में उसने वो जो धागा था दिया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को स्वीट खिलाया स्वीट खिलाने के बाद सिस्टर ने मेरी वो वो जो गिफ्ट लाया था उन्होंने भैया को दिया एक्चुअली हमारे यहाँ पे भाई दूज के दिन बहने देती है भाई को बट स्टिल हमारे भाई ने भी हम लोगों को कैश मुझे करना था तिलक बट लेकिन ये जो सामने बैठे हुए तीन बदमाश है और जो इनका जो बॉस है बीच में बैठा हुआ इन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं करोगी आप सबसे लास्ट करोगे तो मैंने बोला कोई बात नहीं है मैं लास्ट में कर लूँगी अपने भाई को तिलक पहले तुम लोग कर लो फिर पीओ ने तीनों को तिलक लगाया तिलक लगाने के बाद उसने सबको स्वीट खिलाया स्वीट खिलाने के बाद जो धागा होता है तीनों भाइयों के हाथों में उसने धागा बांधा और उसके बाद वो लोग बहुत तंग कर रहे थे उससे और फिर धागा बांधने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऋतवी की क्या चल रहा है यहाँ पे वो अपने मामा को पोज दे रहा है पे बहुत अच्छे अच्छे उसने फोटोज क्लिक करवाए अपने मामा से फिर यहाँ पे धागा जैसे उसने थी गिफ्ट खाने वाली अपनी मर्जी से तीनों को उसके बाद उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी सबसे बड़ी सिस्टर हूँ तो मेरे तुम लोग आकर पैर छुआ और उसने तीनों भाइयों से अपने पैर पड़वाए उसके बाद फिर मेरा टर्न आया मैंने फिर अपने भाई को तिलक किया मुझे भी लाना था कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मैंने सोचा चलो रास्ते में पुमा का शो शोरूम में लग जाएगा वहाँ से मैं ले लेती हूँ एक शूज़ अपने भाई के लिए मुझे अमित ने सजेस्ट किया तुम्हें देना है तो एक काम करो शूज़ दे दो भाई को फिर मैंने भी अपने भाभी को फ़ोन किया और कहा कि मुझे बताओ भाई की शूज़ का नंबर क्या और उन्होंने मुझे शेयर किया और मैंने उनके लिए लाया था पुमा का शूज़ तिलक करने के बाद मैंने भी उनको हाथ में जो धागा होता है वो बांध दिया उसके बाद मुझे तो याद ही नहीं था कि उनको स्वीट खिलाना है मैं डेरे के लिए जाके उनको देने लगी फिर उन्होंने मुझे अरे यार तुमने तो मुझे स्वीट ही नहीं खिलाया तो फिर मैंने उनको स्वीट खिलाया और जो स्वीट बची उन्होंने मुझे पूरी खिला दी तो मैंने भी बहुत मज़े में खा ली बिकॉज डाइटिंग के चक्कर में काफ़ी दिनों तक मैंने स्वीट नहीं खाया था तो मुझे भी बहुत मज़ा आया स्वीट खाने में तो मैंने उसके बाद उनको दिया गिफ्ट और उन्होंने भी मुझे कैश दिया